आप लोग का एच डी डी में स्वागत है। जैसा कि मैं यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट किया था तो आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिस्ट्री की मांग किए थे क्लास 10th वाली। तो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए उस पर आप लोग को बस कमेंट करना, और यहाँ पर मैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए लेकर आ चुका हूँ मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो होंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो सब एंड पी वाई क्यू के बेस पे क्वेश्चन होने वाले हैं। जो कुछ मैं बताऊँगा सब पी वाई क्यू के बेस पे जस्ट यहाँ पर बताऊँगा, और यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ जस्ट लेसन 5 लेसन जस्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम के लिए बताने वाला हूँ। तो फटाफट इसको टिक मार करते चले जाना मेरे भाई, जो जो बोलूँगा उसको पढ़ लेना और अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड ही आएंगे। अब देखो ये सब जो रहेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, और ज़्यादा करके मेरे भाई एक्सरसाइज से ही आप लोग को करना है। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर जो ए वाला क्वेश्चन है इसको आप लोग को अच्छी तरीके से क्वेश्चन 5वां करके रखो, एंड उसके बाद अगर देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन हो गया पहला हो गया, एंड उसके बाद आप लोग को सेकंड वाला करो, एंड उसके बाद यहाँ पर ये दोनों आप लोग को करना है, एनलेस स्कूल एंड डायलेक्टिस दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके रखना है ये दोनों क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पर ए वाला जो दिया गया ना मेरे भाई ये दूसरा वाला करके रखो, एंड उसके बाद देखो इसको थोड़ा सा मैं और पतला कर लेता हूँ मेरे भाई, एंड यहाँ से आप लोग को हिस्टोफेमिनिस्ट है हिस्टोग्राफी एंड यहाँ से कार्ल मार्क वाला ए वाला दोनों अच्छी तरीके से करना है। ये दो यहाँ पर हो गया, एंड उसके बाद व्हाट इज़ द हिस्टोग्राफी आप लोगों कर सकते हो मेरे भाई, व्हाट इज़ द हिस्टोग्राफी ऑलरेडी कर चुका है बट आप लोग करना रहेगा तो कर लेना। और इसमें से मेरे भाई आप लोग को जस्ट बता दिया ये फोकल्ट वाला ये नॉलेज वाला अच्छी तरीके से करके रखना है। इस तरीके से पहला जो लेसन था इतना करना है, एंड सेकेंड वाले लेसन से आप लोग को क्या क्या करना है उसको ध्यान से देखना और सुनना मेरे भाई, और टिक मार्क करते चले जाना। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए बस आप लोगों को फटाक से क्या करना रहेगा कमेंट कर देना रहेगा, उससे वीडियो आप लोग के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पहला एंड जो एक्टिविटी के माध्यम से दिया उसको तो करना है मेरे भाई, ये वाला हो गया एंड ए और बी दोनों करके रखो, एंड इसमें से एक ये जो बखर वाला है ना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को एग्ज़ाम के लिए जस्ट होता है, एंड इसमें से 25 to 30 वर्ड कर चुका है बट अगर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ से आप लोग को करना रहेगा तो करना, बट यहाँ से मेरे भाई कर चुका है। एंड इसमें से आप लोग को यहाँ से देखो ये सब आप लोग को छोटा छोटा पॉइंट दिया गया है, 2-2 पॉइंट याद कर लो मेरे भाई, कितना 2-2 पॉइंट आप लोग को एटलीस्ट याद कर लेना। इसमें से सुबल्टन हिस्ट्री और अनलिस्ट जो दिया गया है वो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड 25 to 30 वर्ड कर चुका, एंड यहाँ से ये जो बी के राजवाड़े वाला है उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है, तो करके रखना है मेरे भाई, बहुत बार एग्जाम में आओ राजवाड़े वाला करके रखना। एंड यहाँ से आप लोग अप्लाई हिस्ट्री जो दिया गया तीसरा लेसन इसमें से क्या करना है मेरे भाई, इसमें से देखो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आता है एग्ज़ाम में, इसमें से कौन कौन सा आप लोग को करना चाहिए देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, 1 करना है, बी करना है, एंड यहाँ से जो दिया गया ए वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंस आप लोग को एग्ज़ाम के लिए सेकंड वाला, एंड उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ से ए वाला क्वेश्चन कर लिए बात खत्म हो जाएगा मेरे भाई, बस यही क्वेश्चन एंड इसमें से दोनों करना है मेरे भाई। एंड इसमें से देखो कौन कौन सा करना है, देखो 2 क्वेश्चन पहला दूसरा दोनों करना है, याद रखना दोनों अच्छी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है और ए वाला जो क्वेश्चन है ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड क्वेश्चन जस्ट हैं, तो इतना क्वेश्चन यहाँ से करना और बाकी तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, बस हो गया मेरे भाई, यहाँ से भी आप लोग को पूरा क्लियर मेरे भाई, बस इसमें से लेसन में से इतना। एंड उसके चौथे वाले लेसन से आप लोग को क्या क्या करना है देखो मेरे भाई, तो फटाफट चलते हैं एक्सरसाइज में, ज़्यादा करके आप लोगों एक्सरसाइज से ही आता है, और ये जो क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ उसको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए मेरे भाई वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। इसके लिए बोलोगे पूरा आएगा सर क्या मेरे भाई, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना चाहिए। एंड यहाँ से आप लोग को देखो इसमें से जो दिया गया एक्सप्लेन वाला कॉन्सेप्ट वाला, तो इसमें से आर्ट वाला करके रखो, मराठा स्टाइल पेंटिंग वाला अच्छी तरीके से करके रखना दोनों। एंड उसके बाद उसके नीचे आप लोग को यहाँ पर स्टेट ये दिया गया है, तो मेरे भाई इसमें से देखो ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही है मेरे भाई, एंड उसके बाद इसमें से अगर करना भी रहेगा तो एक ए वाला करके रखना, कौन सा एक ए वाला, बस
एंड इसमें से कौन सा करना चाहिए मेरे भाई, काइंड शब्द इस यहाँ पर ए वाला एंड एक ए वाला, दो क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को अच्छी तरीके से करके रखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी वाला तो बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, प्रोफेशन यहाँ पर दिया है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आर द अवेलेबल इन दिस फील्ड ऑफ द आर्ट, इसमें से आप लोग को ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन पाँचवा वो भी करना है। अब यहाँ लेसन नंबर जो पाँचवा है इसमें से क्या क्या करना है आप लोग को, उसको भी मैं आप लोग को फटाक से बता देता हूँ मेरे भाई। देखो सबसे पहले ये वाला करके रख लेना, ये वाला क्वेश्चन हिस्ट्री, एंड उसके बाद एक इस पे आप लोग को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो चार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, इस बार आएगा तो इसको करके रखो। एंड ए वाला हो गया, ये हो गया, एंड इसमें से देखो ए वाला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तीनों बहुत इजी, एक एक बार बस पढ़ना। देखो व्हाई डू वी नीड मास मीडिया क्यों है, और यहाँ पर मास मीडिया का जो प्रोफेशन है अपॉर्चुनिटी ओ जो है, एंड उसके बाद ये सब जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसमें से जो ए वाला हो गया एंड ए वाला दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना चाहिए अच्छी तरीके से मेरे भाई। एंड यहाँ से जो दिया गया इसमें से जो रेडियो वाला है और ए वाला बहुत इम्पोर्टेंस आप लोग को एग्ज़ाम के लिए है। और उसके बाद यहाँ से 25 to 30 वर्ड ऑलरेडी कर चुका है, अगर करना रहेगा तो मेरे भाई बहुत सारे स्कूल में दे देते हैं, तो मेरे भाई इसमें से ए वाला पहला नहीं आप लोगों को दूसरा वाला करना। इस तरीके से पूरा जो लेसन था पांच लेसन में बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बस इतना ही करना। आप लोगों को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए बस आप लोगों को कमेंट कर देना है।